अक्षय कुमार पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल हाल ही में उन्होंने तंबाकू ऐड करने की वजह से सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया था, जिसके बाद उन्होंने लंबी चौड़ी पोस्टर से माफी भी मांगी थी और खुद को इस ऐड से पीछे हटा लिया था। अब वे फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। आपको बता दें कि उनकी फिल्म अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट में एक फिल्म और जुड़ गई है। वे साउथ सुपरस्टार सूर्या शिवकुमार की फिल्म सोरारई पोट्रू के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे। इस फिल्म में वे पहली बार राधिका मदान संग रोमांस करते दिखाई देंगे। वैसे आपको बता दें कि दोनों की उम्र में करीब 28 साल का अंतर है। फिल्म की शूटिंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका टाइटल डिजाइन नहीं किया गया है। अक्षय कुमार वे कुछ घंटे पहले अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म के मुहूर्त शॉट की एक छोटी सी क्लिक शेयर की थी। इसमें राधिका मदान नारियल फोड़ते नजर आ रही हैं। अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग का एक शॉट शेयर करते हुए लिखा, नारियल फोड़ने और दिल में एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम अपनी बिना टाइटल वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। ये फिल्म सपनों और उसकी शक्ति के बारे में है। टाइटल सुझाएं और हमारे साथ शेयर करें। सामने आए वीडियो में राधिका मदान लाल साड़ी पहने नारियल फोड़ते नजर आ रही हैं। वहीं अक्षय कुमार अपने बगल में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से अक्षय कुमार इस फिल्म को लेकर बातचीत कर रहे थे। ये फिल्म उन्होंने हाल ही में साइन की है। इस फिल्म की मूल स्टोरी हिंदी रीमेक में थोड़ा अलग रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।